ऑलराइट, सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नई गेम प्ले वीडियो में। एंड गाइस, आज हम खेलने वाले हैं पुलिस सिमुलेटर पेट्रोल ड्यूटी। एंड गाइस, ये जो गेम है यार, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात, ये जो गेम है पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड होने वाला है। एंड इसके अंदर मैं आपको गेम के बारे में बताऊँ तो गाइस, यहाँ पर हम बने हुए हैं पुलिस ऑफिसर। एंड हमें बहुत सारे मतलब क्राइम्स को सॉल्व करना है। एंड बेसिकली हमें पेट्रोलिंग भी करनी है सिटीज़ के अंदर। तो भाई, जो गेम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल होने वाला है। इस वाली गेम के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के मिशंस होने वाले हैं। तो भाई, आपको पता है जो गेम होगा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड गाइस, इस कैरेक्टर का नाम है, हमारा नाम है फिल जॉन्स। एंड यहाँ पे देख तो अभी सारे काम कर रहे हैं। एंड भाई, अभी मैं अपने ऑफिस में उठे गए जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं। एंड ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप मॉनिटर्स भी देख सकती हो। ओके, तो सबसे पहले अपने मैं कंप्यूटर में जाके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे अपने पीसी पे बैठ चुके हैं। ओके लोसन भाई, ओके एलबी पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा तुम देख सकते हो पहला दिन। एंड नेम फिल जॉन्स, नाइट शिफ्ट। ओके, तो हमारा गाइज, मैं आपको बताऊं तो अभी हम नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डे शिफ्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तो हम कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो सही हैं, और एक बार पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के बाहर। एंड हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मैं और लोगों से बात कर सकता हूँ? ओके, तो ये तो भी बिजी लग रही है। ओके नैन्सी, तो गाइस चलो यार बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। एंड मुझे लगता है इतने भी इंटरेक्ट कर लेते हैं एक बार। ओके भाई, जरूर चलेंगे। ओके, तो भाई गेट कहाँ पे यार पहले? अच्छा, तो ये रहा गेट। एंड बाहर की तरफ चलते हैं। ओके, एंड गाइस ये रही हमारी आर्मरी। एंड सबसे पहले जाके हम सारी अपनी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, गन और पिस्टल जो भी हमें चीज़ें लेनी हैं। एंड इससे हम बात करते हैं। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमें हैंडकफ्स, रेडियो, पीडी, ये पे। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमें, आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। फॉलो द जीपीएस डायरेक्शन टू द मिशन लोकेशन। ओके, और एक बार अंदर की तरफ भी चल लेते हैं एंड इनसे भी बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम कलेक्ट करने वाले हैं अपनी आईडी। एंड आई गेस मैं बाथरूम में आ चुका हूँ, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एंड ये रहा मेरा बैग। तो गाइज़ एक बार हम लॉबी चेक कर लेते हैं कि इतनी रात हो रही है, अभी भी लोग आए होंगे वैसे तो। ओके, तो ज़्यादा तो लोग इधर नहीं हैं। ओके, यहाँ पे एक दो तीन लोग बैठे हैं जो कि यार संभाल लेंगे मेरे बाकी ऑफिसर्स, ठीक है। एंड हम चलते हैं बाहर की तरफ। ओके भाई, बहुत ही बिजी है। एंड ये गेट लॉक है? नहीं, ये तो ओपन है। ओके, तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने ऑफिस के बाहर। एंड ये तुम देख सकते हो हमारा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है, ओपी भाई ओपी। ओके एंड गाइज, तुम बाहर का नज़ारा देख सकते हो और कितना ही ज़्यादा ओपी लेवल का है। नहीं। एंड इनसे हम पहले इंटरेक्ट करते हैं। ओके या ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिसिंग पेंट, ठीक है। एंड इनसे हम आईडी मांगने वाले हैं। श्योर, हिट इज। ओके, तो इनका नाम है हार्वे एंड ये मेल है। ओके, तो ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। ओके ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो एक बार सर्च कर लेते हैं इनके पॉकेट, कहीं कुछ कुछ मिल ना जाए। एंड जहाँ तक मुझे लगता है इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं होगा। इसके पास कार कीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, सिगरेट पैक्स, कॉइन्स, लाइटर। ओके, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं है इस पर, ठीक है। तो चलो चलते हैं एंड बाकी ये चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो यार मैप में एक वे पॉइंट बना हुआ आ रहा है, वहाँ पे सबसे पहले चलते हैं। एंड सबसे पहले कार को रोक लेता हूँ एंड इनसे भी और बात कर ही लेता हूँ, ठीक है, जब रोक ही दिया हमने कार को। एंड इनसे भी और बात कर लेते हैं, आईडी एक बार मांग लेते हैं इनकी। ओके माइल्स, एंड भाई तू जा सकता है, ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके पास कुछ ना हो, क्योंकि भाई बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं इधर से उधर सप्लाई करते हैं चीज़ें एंड कुछ तो यार पीकर चलाते हैं। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
मतलब कुछ भी ठीक है ओके वो तो अभी पता लग जाएगा भाई चेक करके ओके तो चेक करते हैं एक बार एंड आई गेस यार मुझे भी लगता है इसके पास भाई क्या ही हरकत होगी भाई तू जल्दी जा पागल है क्या भोसड़ी के हाँ भाई जल्दी जा तू जल्दी जा एंड गेस मैं एक बार चेक कर ले जाऊँ कि भाई ये जो वी पॉइंट आ रही है कहाँ पे हमें जाना है एंड कितनी दूर है बिकॉज अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हमें अपनी कार यूज़ करनी पड़ेगी हम पैदल नहीं जा सकते उतनी दूर एंड एक बार चेक कर लेते हैं ओ भाई लिटरली यार मुझे तो लगा था कहीं आसपास होगा बट आप देख सकते हो दूसरी सिटी में है हम पैदल तो जा नहीं सकते इतनी दूर तो सबसे पहले यार मुझे वापस से अपने ऑफिस के अंदर जाना होगा एंड अपनी मैं कार निकाल लेता हूँ बिकॉज हम पैदल तो उतनी दूर नहीं जा सकते नहीं नहीं ना नो 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 सॉरी सॉरी एंड अंदर अंदर की तरफ चलते हैं ओह यार शेट मुझे नहीं करनी बात भाई तुमसे बाद में करता हूँ एंड गाइस देख सकते हो लॉस्टन बे की पुलिस कार जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल की है ठीक है तो चलो यार अभी हम मैप में चेक कर लेते हैं कि हमें जहाँ पे जाना है वो आखिर जगह है कितनी दूर एंड भाई वो मतलब पूरी दूसरी सिटी में है जो कि नॉर्थ फोर्ट करके एंड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करना है बट गाइस वहाँ पे जाने से पहले यार यहाँ पे कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ और उनके एक बार आईडी पूछ लेता हूँ अरे अरे सायरन कैसे बज गया चलो यार जल्दी चलते हैं अपनी दूसरी वाली सिटी में एंड गाइस तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा ओपी लेवल का यहाँ पे तुम्हें व्यू मिलता है ये जो सिटी है भाई लॉस्टन बे यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ठीक है जहाँ पे हम काम करते हैं अरे अरे मैं तो यार गलत रास्ते पे जा रहा हूँ हमें यहीं से टर्न लेना था ठीक है अपनी कार को बैक करते हैं अरे रुक जा मेरे भाई रुक जा ओह भाई लिटरली यार अभी हमारी कार टकराने वाली थी बट हम बच गए ठीक है एंड चलो चलते हैं सो गाइस ड्राइविंग करते करते हम आ चुके अपने एरिया पे जहाँ पे हमें आना था एंड यहाँ पे हमें जो भाई सस्पेक्ट है उन्हें हमें ढूंढना है एंड उनकी आइडेंटिटी मतलब मांगनी है एंड पता करना है कि भाई मतलब क्या काम करते हैं बिकॉज यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइम होते हैं एंड बहुत सारे लोग भाई ड्रग्स व्रग्स बेचते हैं गलत काम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो गाइस उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं एंड जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें आज हम पकड़ के ले जाने वाले हैं ठीक है एंड यहाँ तो वैसे लोग दिख नहीं रहे ठीक है बहुत अजीब सी ये वाली जगह मुझे लग रही है एंड ज़्यादातर यहाँ पे फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज हैं ठीक है एंड लोग तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहे बट कोई नहीं हम ढूंढते हैं ओके एंड यहाँ पे भाई कोई भी नहीं है एंड आगे की तरफ चलो चलते हैं यार लोग तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई वैसे एक बात अच्छी है पुलिस वालों की मतलब भाई हम पुलिस वाले तो हम कहीं भी कार चला सकते हैं ठीक है चाहे रॉन्ग वे हो या राइट वे हो कोई भी हमें टोकने वाला नहीं होगा मतलब भाई यार अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं है कोई नहीं मैं सबसे पहले अपनी इधर कार पार्क कर देता हूँ एंड सबसे पहले कार से बाहर निकलते हैं हाँ भाई आ जा तू भी आ जा लाइन में और गए सबसे पहले हम इससे बात करते हैं ओके आईडी देखते हैं ओके तो इसका नाम इमा है एंड एक फीमेल है तो इस पर ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं है बट एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं ओके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है इस पर एंड एक बार ओके एक बार पीछे की भी हम चेक कर लेते हैं डिग्गी ठीक है बिकॉज सर यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपा के रखते हैं चीज़ें एंड यहाँ पे भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा वैसे तो ओके ग्रोसरी बैग और भाई बेसबॉल बैट ओके जो कि लड़ाई के काम आता है एंड भाई आप जा सकते हो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली यू कैन गो एंड सबसे पहले हम इससे बात करते हैं और आईडी पूछते हैं कि अल्बर्ट मेल ओके एंड मैं सबसे पहले इसकी यार पीछे की डिग्गी चेक करने वाला हूँ ओके तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं इधर भी कुछ वैसे दिख तो नहीं रहा ओके ट्रॉली और ब्रीफ केस बट यार इसके अंदर क्या है यार ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई इसके अंदर आखिर है क्या कंट्रोल एंड सबसे पहले हम इसका इशू करते हैं टिकट आजा भाई बाहर आजा ओके तो भाई इसका हमने यार चलान काट दिया है एंड यहाँ पे भाई अब तू जा सकता है यार ठीक है यू कैन नाउ गो एंड गाइस जैसे ही मैं आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा एंड गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो मुझे थोड़े यहाँ पे लोग मिल रहे हैं चलते हुए एंड सबसे पहले मैं इनकी आइडेंटिटी मांगने वाला हूँ एंड इनको तो सबसे पहले देख लेंगे सबसे पहले मैं उसे पकड़ने वाला हूँ एंड इसके पास कुछ है भी एंड इसे मैं रोकता हूँ हाँ भाई रुक जा आईडी मांगते हैं इसकी
ओके मोनिका फीमेल ओके एंड मैं इनमें चेकिंग कर लेता हूँ भाई भाई क्या ही हरकत है यार बहुत ही ऐंठ है भाई सीग्रेट पैक मैच बॉक्स मूवी टिकट डिस्टर्ब स्लीपर वॉलेट ओके ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं है एंड मैं इसको अरेस्ट करने का तो सोच रहा हूँ भाई इसमें अकड़ बहुत है करूँ या ना करूँ तुम बताओ गाइस नहीं चलो अगर करके देखते हैं ओ गाइस पागल है क्या भोसड़ी के ओ भाई लिटरली यार इसने भाई मतलब यार पुलिस वालों यार कुछ तो इज्जत करो हमारी एंड यहाँ पे बस हमारी कार भी आ ही रही है देख सकते हो आवाज़ तुम सायरन तुम सुनी सकते हो एंड जल्दी इसको उठा के ले जाएगी वो पुलिस वाली कार ठीक है ओके तो गाइस मतलब यार तुम देख सकते हो यार इसलिए कहते हैं पुलिस वालों की हमेशा इज्जत करो ठीक है ओके तो मतलब लिटरली गाइस तुम देख सकते हो यार ये बंदा ऐसा क्यों खड़ा है एंड सबसे पहले इससे बात करता हूँ ओके अरे 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 गाइस ओ भाई यार असली बंदा तो इधर है ओके ओ मतलब लिटरली गाइस तुम देख सकते हो अरे यार शिट शिट नो गॉड प्लीज नो नो अबे यार वो तो बहुत ही दूर भग गया शिट 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 गाइस हमें उसे पकड़ना होगा जितनी जल्दी हो सके वरना वो भाई भग सकता है इधर से ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड चलो जल्दी से उसे पकड़ते हैं एंड गाइस ये रहा वो बंदा ओके तो गाइस लिटरली हमने फाइनली उसे पकड़ लिया है उसे इंटरेक्ट करते हैं एंड वैसे ये बेहोश तो हो चुका है एंड गाइस ये रहा वो बंदा ठीक है वैसे वैसे अभी यार कुछ चीज़ें तो हम इसकी चेक नहीं कर सकते बिकॉज ये जो बंदा है अभी बेहोश हो चुका है मैंने इसे गन मार दी है आप टेंशन मतलब बस इसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा है अभी जिंदा है एंड सबसे पहले मैं अपनी एक एम्बुलेंस बुला देता हूँ ओ भाई लिटरली यार क्या ही बंदा है देख के भगा था इसलिए गाइस यार कभी भी आप पुलिस को देखते हो तो भगा मत करो ठीक है बस उन्हें यार कुछ क्वेश्चन ही पूछने होते हैं एंड एम्बुलेंस भी आ रही है इससे तो मैं बाद में जाके हॉस्पिटल में जाके इसे मतलब बात कर लूँगा एंड पूछूंगा भाई आखिर ये भगा क्यों था ठीक है वो सब तो हम बाद में चीज़ें करेंगे भाई पहले तुम इसे ले जाओ ठीक है एंड इसे मैं जल्दी मिलने आऊँगा हॉस्पिटल में भी तो गाइस यहाँ पे हमारा जो मिशन होता है कंप्लीट हो चुका है ठीक है एंड चलो अब जल्दी जल्दी अपनी कार के पास चलते हैं एंड वापस से हम चलते हैं अपने ऑफिस में ठीक है तो गाइस यार यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल सबसे पहले जिस बंदे को हमने मारा था पहले हम उससे भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड पूछेंगे कि वो क्यों भगा था ठीक है एंड अगर कोई वैलिड रीज़न मिलता है तो हम उसे छोड़ देंगे एंड अगर नहीं मिलता तो मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा एंड वहाँ से लेकर जाऊँगा पुलिस स्टेशन एंड भाई आज की वीडियो इतना ही अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ और देख पाओ एंड आगे और अमेजिंग ओपी लेवल के मिशन आप देख पाओ तो आज की वीडियो तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम